युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। ज्वेलर्स के लिए आज का दिन विशेष तौर पर खास है। आज कस्टमर्स भी अधिक आएंगे और बड़े ऑर्डर्स भी आज आपको मिलेंगे, जिससे आपको अच्छा खासा फायदा होगा। आज आपके मधुरभाषी स्वभाव से आपके कट्टर विरोधी भी आपके कायल हो जाएंगे और आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ेंगे। प्रिय भक्तगणों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज यदि आप अपने मित्र की सहायता करते हैं तो आज आप दोनों को ही पैसे कमाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। आज आपके भाई बहनों को विदेश जाने के लिए वीजा भी मिल सकता है। आज आप दूसरों के कार्यों में दखल अंदाजी देने से परहेज करें, क्योंकि इससे आज आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। आज कच्चा दूध दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज आप मंदिर से प्रसाद ग्रहण करने से भी परहेज करें। कुंभ राशि वालों, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या मेहनत करने के बावजूद भी आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगी की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय, जिसे करने से यदि युवा लोग सरकारी नौकरी की आकांक्षा रखते हैं तो जल्द से जल्द उनका सपना पूरा हो सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर पवित्र हो जाएं और उसके पश्चात सूर्य देवता की आराधना करें। सूर्य देवता को याद करने के लिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः। मैं आपके लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः। आज आप जल में शक्कर मिलाकर और गुड़ मिलाकर उसे सूर्य देवता को चढ़ाएं
और जल चढ़ाते हुए आप सूर्य देवता को उस जल की धार में से देखें और उनको प्रणाम करें। यदि श्रद्धा पूर्वक आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी की आपकी मुराद जल्द ही पूरी हो सकती है। कहाँ से हो आप? हिमाचल प्रदेश। आप गुरु जी के पास आए, गुरु रजनी शिष्य जी के पास और गुरु मारुकमणि जी के पास, आपको कैसा लगा? हमें काफी अच्छा लगा और मैं 4-5 महीने से जुड़ा हूँ तो बड़ा अच्छा फील हो रहा, मेरे सारे काम बन रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात है कि मैं काफी नेगेटिव था, अब पॉजिटिव हो गया। आपको गुरु जी ने कितनी रिंग्स करवाई है? रिंग्स दिखाओ। चार रिंग है, मैं लगभग 7-8 स्टोन लिए हैं, एक गले का भी है और 4 अंगूठे हैं। इसको पहन के क्या प्रभाव हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है और सब बढ़िया लग रहा है। और 100% पॉजिटिव हुआ है। और लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे गुरु जी गुरुवा के बारे में? मैं जो भी कोई परेशान है अपनी समस्या से तो एक बार गुरु जी से जरूर मिले और मैं आशा करता हूँ कि उनका समाधान जरूर होगा। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।